देखो बाबू, हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए बाबू। पहला हम लोग क्या पढ़े थे, वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इतना मैंने क्या किया था, आपको समझा दिया था। तो आज सर क्या करेंगे, तो सर आज हम लिखवाने जा रहे हैं वैद्युत आवेश की पर, जितना पढ़ा दिया गया है अब उसको बाबू नोट डाउन कराने जा रहे हैं। तो अब कहाँ करोगे, फेयर पे। तो रफ वाली कापी सामने रखना, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो बाबू अब क्या करना देख लेना उससे, ठीक है। चलिए तो हम लोग बाबू पहला चैप्टर डाल लो। चैप्टर का नाम क्या है बाबू, पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, या पहले चैप्टर का नाम बाबू, कोई पूछेगा फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम क्या बोलोगे, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। अंग्रेजी लिख दो बाबू, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज CHARGE एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। या बाबू किसी किताब में लिखा होगा या करके कूलाम का नियम, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो लिख लो बाबू कूलाम की स्पेलिंग COULOMB apostrophe S लॉ, LAW, कूलम्स लॉ, COULOMB apostrophe S ला, LAW या कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पहले चैप्टर का नाम एकदम कम कम दम इतना तो होना चाहिए कि फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम क्या है। तो अब क्या बोलोगे मेरे हीरो, बोलोगे क्या, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, क्लियर बाबू। और क्या बोलोगे, या कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले परिभाषा किसकी लिखी जाएगी, तो आप लोग बाबू वह जो आप लोग पढ़े हो, आप लोग को जो फिर सॉरी जो रफ पर था वो कॉपी खोल लो और देखो सर वैद्युत आवेश के बारे में कुछ क्या बताए थे। आप लोग देखिए वैद्युत आवेश के बारे में क्या बताए थे वह देखिए सर। आप लोग देखिए तो क्या बताए थे, याद है। तो बाबू चलिए लिखिए, पहला पहला बाबू मैं पढ़ाया था वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। पहली परिभाषा ब्रैकेट में बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज बाबू हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखना कम से कम। वैद्युत आवेश अंग्रेजी में बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो लिखिए पहला परिभाषा बाबू वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका
तथा उनका अनुभव भी करता है, तथा उनका अनुभव भी करता है। ते बाबू आपकी वैद्युत आवेश की परिभाषा हो गई। वैद्युत आप फिर से बाबू एक बार देख लीजिए, बोल लेते हैं, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव भी करता है, तथा उनका अनुभव भी करता है। हो गया बाबू, अब लिखिए बाबू अगला, वैद्युत आवेश के प्रकार। अगला बाबू डालिए हेडिंग, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार लिखिए, डालिए हेडिंग वैद्युत आवेश के प्रकार। अब लिखिए, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, पहला धन आवेश, धन आवेश ब्रैकेट में बाबू लिख लो पॉजिटिव चार्ज, POSITIV पॉजिटिव चार्ज। दूसरा बाबू ऋण आवेश, दूसरा बाबू ऋण आवेश ब्रैकेट में निगेटिव चार्ज, ब्रैकेट में बाबू निगेटिव चार्ज। निगेटिव की स्पेलिंग NEGATIVE, चार्ज CHARGE, निगेटिव चार्ज। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। क्लियर? तो हम लोग वैद्युत आवेश की परिभाषा भी सीख लिए और वैद्युत आवेश के प्रकार भी सीख लिए। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या बाबू, मेरे साथ बोलिए, घर पे बैठे हुए मेरे साथ बोलिए। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव भी करता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला वैद्युत आवेश के प्रकार, हेडिंग बाबू फिर उसमें लिखा था, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश को क्या बोलते हो बाबू, पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश क्या बोलते हो बाबू, निगेटिव चार्ज। अब लिखिए बाबू अगला, इसके बाद क्या पढ़े थे, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या पढ़े थे, आवेश उत्पत्ति का कौन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लिख लो बाबू, अब डालो अगला हेडिंग, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये सब पढ़ा दिए हैं, आज के वो लिखवा देंगे बाबू, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। डाल लो बाबू हेडिंग, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक, आवेश उत्पत्ति का, आप लोग अपना बाबू रफ पेज खोल लीजिए, रफ कॉपी, ठीक है, देखते रहिए, सब पढ़ाया गया है। आज बस केवल लिखवाना है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, अंग्रेजी में लिखिए बाबू, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हिंदी में हो गया। अब लिखो अंग्रेजी में बाबू, इलेक्ट्रॉनिक थियरी, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक थियरी, THEORY, ऑफ ओरिजिन, ORIGIN, ऑफ चार्ज, CHARG,
इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। क्लियर बाबू? अब आगे बढ़ते हैं ना। तो पहला, अब मुझे बताइए, देखिए कॉपी में हमने कैसे पढ़ाया था, आवेशित कौन होता है? परमाणु। आवेशित कौन होता है? परमाणु। तो सबसे पहले किसकी परिभाषा लिखवाई गई थी, सॉरी किसके बारे में समझाया गया था? परमाणु के बारे में, याद होगा? आप देखिएगा कौन कॉपी खोल के, रफ कॉपी। तो बाबू आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मतलब आवेश, किसी पदार्थ पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो आवेशित कौन होता है बाबू? परमाणु। कौन होता है? परमाणु। तो सबसे पहले परिभाषा किसकी लिखी जाएगी? परमाणु। और वही पढ़ाया गया था कि आवेशित होने के आधार पर परमाणु तीन प्रकार के होते हैं, पढ़ाया गया था। कौन कौन बाबू? पहला उदासीन, वैद्युत रूप से क्या बाबू? उदासीन। फिर बाबू परमाणु कैसा आवेशित हो गया? धनावेशित हो गया। फिर बाबू परमाणु कैसा हो गया? आपका ऋणावेशित हो गया। तो जब कभी भी आपके यूपी बोर्ड में यह सवाल आ गया लिखने का कि आवेश उत्पत्ति का कौन सिद्धांत लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कौन सिद्धांत? इलेक्ट्रॉनिक। अब सुनो बाबू, मैंने इलेक्ट्रॉनिक पर क्या कराया था याद है? अंडरलाइन। तो अभी भी क्या कर लीजिए, अंडरलाइन। और देखिए मैं सिखाया था, अगर कोई परमाणु आवेशित होता है किसके कारण, तो सिखाया गया था केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण, न प्रोटॉन के कारण न न्यूट्रॉन के कारण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण परमाणु धनावेशित ऋणावेशित नहीं होता है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, सिखाए थे। तो बाबू आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आएगा, इसमें कितना पॉइंट लिखना पड़ेगा? चार। पहले किसके बारे में? परमाणु, फिर उदासीन, फिर धनावेशित, फिर ऋणावेशित। तो लिखिए बाबू पहला, इसमें पहले बाबू किसकी परिभाषा लिखी जाएगी, याद है मैं क्या लिखवाया था? सॉरी याद है आप लोगों को, दुनिया का, पहले देख सुन लीजिए फिर लिखिएगा जब मैं बोलूँगा तब, दुनिया का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें, याद है? तो चलिए बाबू लिखिए प्रत्येक, डलिए पहला, पहले किसके बारे में लिखा जाएगा सर? परमाणु। तो आपको बस कुछ परमाणु के नहीं डलनी बाबू, बस लिखना है केवल आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, डैश अंग्रेजी में भी लिखना है और हिंदी में। अब डैश नीचे लिखिए, उसके नीचे प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये सब मैंने अच्छे से पढ़ाया था बाबू, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। आगे बाबू उसी में लिखना है, उसी में याद करो परमाणु के बारे में क्या बताया गया था, कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन। और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ये बाबू मैं जो आपको पढ़ाया हूँ, समझा रहा था, वो वाली कॉपी खोले हो ना, उसमें सब खोल के देखो, उसमें आप लोग सब खोल के देखो मेरे हीरो कि मैं क्या पढ़ाया था। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, लिख दिए। अब परमाणु में क्या होता है? तो परमाणु में क्या होता है? नाभिक। नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनावेश।
और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। बताइए, नाभिक में प्रोटॉन है, नाभिक में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो नाभिक कैसा होगा? धनावेशित। नाभिक कैसा होगा? धनावेशित। क्यों धनावेशित होगा? कि नाभिक में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। क्लियर। एक बात मैंने और सिखाया था कि अगर मान लेते हैं पूरे परमाणु का द्रव्यमान 100 kg है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान 100 kg है, तो 98 kg द्रव्यमान किसका होगा? नाभिक का। मतलब पूरा द्रव्यमान नहीं, अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है? नाभिक में। तो परमाणु का, ध्यान से, परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश तथा समस्त द्रव्यमान नहीं बाबू, अधिकांश द्रव्यमान, अधिकांश द्रव्यमान एक कहां, एक कैसा होता है बाबू? नाभिक कैसा होता है? गोलाकार होता है। नाभिक कैसा होता है? आयताकार होता है। कैसा होता है बाबू? गोलाकार होता है मेरे हीरो। और दूसरी बात कैसा होता है? ठोस होता है। नाभिक कैसा होता है? ठोस। आप देखिए बाबू, आपको मैं पढ़ाया हूँ आज, तो मुझे केवल नोट बनवाना है ना, लिखवाना है ना, तो देखते, इसीलिए मैंने कहा था, क्या 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 कहा था? रफ वाली कापी अलग, फेर वाली कापी अलग। जब फेर कराएंगे तो रफ वाली कापी बगल में बाबू, मैं जब मैं कहूँगा देखो तो देख कर नोट्स बनाना है। क्लियर। तो लिखिए बाबू, आपको पता है कि लिखिए आगे उसी लाइन में, यहाँ तो लिख देना कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। आगे उसी लाइन में, परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग, पूरा नहीं बाबू, लगभग तथा लगभग समस्त द्रव्यमान तथा लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान, पूरा नहीं बाबू, लगभग पूरा, पूरा नहीं। मैंने क्या सिखाया कि अगर परमाणु का द्रव्यमान 100 kg है तो 98 kg द्रव्यमान किसका होगा? नाभिक का। क्लियर। तो पूरा द्रव्यमान नहीं, लगभग समस्त द्रव्यमान। क्या लिखे? परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ बाबू होता है संकेंद्रित? एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है। लिखो बाबू, परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धना तथा लगभग समस्त धनावेश। लिख दिए, क्या लिखे? परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है। एक ठोस कैसा बाबू? आयताकार नहीं बाबू, गोलाकार। एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है। एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है जिसे, इसका नाम क्या है बाबू? जिसे नाभिक कहते हैं। जिसे नाभिक कहते हैं। क्लियर। यहाँ तक सीख लिए ना बाबू? यहाँ तक क्या सीखे? अभी तक लाइन क्या लिखे? चलिए मेरे साथ, इससे बाबू क्या होगा, याद भी साथ साथ होता चला। अगर आप पढ़ लिए और फिर घर पे रिवीजन कर लिए तो फिजिक्स बाबू आराम 70 में 65 नंबर पाएंगे, एकदम गारंटी है। सुरेश क्लासेस में ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन बिल्कुल ऑफलाइन ही लगेगा आपको, समझे मेरे हीरो। चलिए पालन क्या लिखे सर? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है
जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्य मान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद क्या था बाबू? ये तो बाबू नाभिक की बात हो गई। किसकी बात हो गई? नाभिक की बात हो गई। नाभिक के बाद क्या आएगा बाबू? याद है, नाभिक के चारों ओर अपनी, याद करो मैंने कहा था हर बंदे का अपना एक घर होता है, उसी तरह से हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक क्या होता है? घर होता है। उस घर को मैं क्या बोला था, याद है? कक्षा। अब कैसा कक्षा? अपनी निश्चित कक्षाओं में। किस कक्षा में? निश्चित मतलब अपना घर निश्चित होगा ना, हमें पता है ना कि मेरा घर कहाँ है। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने घर गली में जा रहा हूँ और दूसरे घर में घुस जाऊँ, ऐसा तो नहीं होगा। अर्थात हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक क्या होता है? घर होता है। अब लिखो बाबू, नाभिक के क्या क्या बाबू? यहाँ तो लिख के क्या लिखे अभी तक? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्य मान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्लियर। अब नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिख लो बाबू, नाभिक में, उसी में लाइन में लिखना बाबू, उसी लाइन में लिखना। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। लिख लिया बाबू, नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। सॉरी, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो नाभिक बाबू कंप्लीट हो गया। नाभिक में क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन बाबू। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। लिख लिए बाबू। अब बाबू नाभिक कंप्लीट हो गया। अब नाभिक के चारों ओर क्या घूमता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। लिख लो बाबू, नाभिक के चारों ओर कौन? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन? तो बोलो कि नाभिक के चारों ओर कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। लिखो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन। कौन बाबू? नाभिक के चारों ओर कौन बाबू? इलेक्ट्रॉन। विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग अलग। सबका घर क्या होता है? अलग अलग। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न अस्थाई कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। परिभ्रमण नहीं, परिक्रमण करते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न अस्थाई कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। क्लियर बाबू? सबकी बात हो गई, नाभिक की बात हो गई और इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। क्लियर। अब बताओ परमाणु में कौन कौन से तत्व हैं? तो बोलोगे परमाणु में बाबू प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो कोई पूछेगा परमाणु किन तत्वों से मिलकर बना है? तो क्या बोलोगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर, लिख लिया होगे। अब बताओ, अब इन पर आवेश भी तो होता है। प्रोटॉन पे धनावेश, न्यूट्रॉन उदासीन तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो अब इनके बारे में तो सर किस पर क्या क्या कौन कौन सा आवेश होता है, लिखिए बाबू इसी लाइन में आगे।
नाभिक में उपस्थित, नाभिक में, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में कैसा बाबू? धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता बताइए तो क्या लिखे? नाभिक में उदासीन, सॉरी, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर? एवं, नहीं उसे छोड़ दो, हाँ नहीं तो एवं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, एवं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। एवं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, एवं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। क्लियर? अब सुनो, मैंने लिखवा दिया ना, तो आपको अपने शब्दों में लिखना है, बस ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला एवं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, अगर कोई लिख दिया इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, गलत हो गया क्या? अब देखो मेरी बात सुनो, ये तो मैं लिखवा दिया, ठीक, तो ऐसा नहीं कि मैं सही लिखवाऊंगा आप गलत लिखोगे, सर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यूपी बोर्ड में 70 में 65 नंबर पाना है, तो पाने के लिए अगर आप सोचोगे कि मैं रटकर पा जाऊंगा, मैं रटकर पा जाऊंगा, तो यह संभव नहीं है। आपको हर चीज एनालाइज करके अपने दिमाग में रखना है। मैं फिर लिखवाऊंगा या करके, क्या करके? या, लेकिन बाबू इसको अपने से लिखना है। जैसे अब परमाणु लिखना है तो क्या लिखो सर? अब मान लो कोई लाइन ऊपर नीचे हो गई तो घबराओगे क्या? नहीं यार, हो गई तो हो गई, मेरा क्या दोष? हर किताब में अगर देखोगे एक ही बात कि परमाणु के बारे में हर किताब अलग अलग टाइप लिखा है, भाव सेम रहेगा, सेंस सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग होगा, तो गलत है क्या? नहीं, तो हम भी तो एक किताब है, हर बच्चा एक किताब है, हर बच्चा एक किताब है, और बच्चा अपनी भाषा में लिखेगा। बस ध्यान रखना कि अपनी भाषा में लिखते हुए फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी यूज करना है। जैसे क्या क्या, आइए, मेरा बच्चा, मैंने बोला अपने से लिखो, तो बोल लिख दिया प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित होता है। अब मेरा बच्चा क्या किया? ठोस भूल गया, गोलाकार भूल गया, तो क्या ठीका लिया है क्या? लिखा ना कि नाभिक में, सॉरी ना, सॉरी, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक केंद्रीय भाग में संकेंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। गलत है क्या? नहीं, वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, आगे मेरा बच्चा क्या लिख दिया कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर? तो जो मैं, अब हो सकता है अब तुम चाहोगे, देखो मैं सिखाऊंगा कि कैसे बड़ा भी लिखेंगे और कैसे इसी को छोटा भी लिखेंगे, जितना लिखे हो ना, तो मैं उसमें 3 से 4 लाइन कम भी कराऊंगा। मैं ऐसा बोलूंगा भाषा कि 3 से 4 लाइन अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले सिखाऊंगा कैसे अपनी भाषा में लिखा जाता है। जैसे मैं लिखवाया हूँ लास्ट में कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन पर धनावेशित, या मैं लिखा नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो मैं यहाँ न लिख करके मैं यहीं लिख दूँ कि नाभिक में प्रोटॉन नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जो अलग से लिखवाना पड़ रहा है नहीं लिखवाना पड़ेगा, यही हो जाएगा जो लिखा गया है। देखो लाइन में कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लिखे हो, अब मैं वहीं पर लिखवा दूं नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो नीचे की 2 लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन है अगर मैं ये लिखवा दूं कि नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अपनी विभिन्न अस्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, तो क्या फायदा हो जाएगा? जो तीन लाइन लास्ट का है कि नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन तथा धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं एवं इलेक्ट्रॉन परिणावेश होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखे तो कितने लाइन कम हो गया बाबू, तीन लाइन। अपनी भाषा में लिख दिए तो गलत हो गया क्या? बिल्कुल नहीं गलत हुआ, एकदम क्या है, सही है। एकदम क्या है बाबू, तो लिख दो, या करके लिखो, या करके परमाणु के बारे में ही या करके फिर लिखो। ये समझना है बाबू मुझे, आपको कम से कम 10-15 क्लास सिखाना है कि आपको रटना नहीं है, आपका जैसे मन करे वैसे लिखना है, जहां मन करे जब। सुन लो, इसके बारे में मान लो कोई चीज भूल रहे हो लेकिन तुम्हें याद आ गई लास्ट लाइन में, तो क्या करोगे? लास्ट लाइन लिख देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, हम क्या कंप्यूटर हुए हैं कि इसके बाद यही लाइन आएगी? बस हमें इतना आना चाहिए, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन परिणावेश होता है, हो गया परमाणु। अगर मान लो मैं पूछूं कि परमाणु से आप क्या समझते हैं, तो आप डरना नहीं, आप डरना नहीं, बस इतना जानना कि नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बस इसी को अपने भाषा में क्या करना है, लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा ध्यान से, अब मैं बच्चों की भाषा कि कैसे लिखेंगे सर, तो बोल रहे प्रत्येक पद, ये तो याद हो गया, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब मान लो भूल गया, परमाणु में नाभिक होता है, या परमाणु के केंद्रीय भाग में, वो लिख दिया परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, मतलब ये मत लेना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, अच्छा वर्ड नहीं होगा। प्रभावशाली वर्ड क्या होगा, परिक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, प्रोटॉन पे धनावेश, न्यूट्रॉन उदासीन तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, क्या उसे कम नंबर मिलेगा क्या? नहीं बाबू, एकदम उतना ही नंबर मिलेगा जितना कि दूसरे को मिलेगा। अगर आप लोग क्लास में होते तो मैं बोलवाता बाबू आपसे कि परमाणु के बारे में अपने से लिखना है, इसी लाइन में कोई ऊपर हो जाए कोई नीचे तो घबराने की बात नहीं है। जैसे आप लोग अब अपने कापी पे क्या लेंगे सर, परमाणु के बारे में क्या लिखना, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद परमाणु में क्या होता है, नाभिक, आप लिख दिए, ये नहीं लिख पाए, ये भूल गए कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ये भूल गए, बस इतना लिख दिए कि परमाणु के केंद्र में एक ठोस धनावेशित गोलाकार भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, गलत हो गया क्या उसका? नहीं। मान लो कोई बंदा ये लिख दिया परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, गलत हो गया क्या? सब भाग सब क्या है, सही है। इसलिए बाबू आप मत घबराना कि मेरा एक लाइन नीचे हो गया सर, एक लाइन ऊपर लिखवाए हैं, ये सबसे मतलब नहीं है। बस हमें इतना ख्याल रखना है कि परमाणु की हर बात आपके पैराग्राफ में आ जानी चाहिए, क्या परमाणु की हर एक बात आपके पैराग्राफ में आ जानी चाहिए, चाहे ऊपर आ जाए चाहे नीचे आ जाए। अब नाभिक लड़की है कि लड़का है मुझे क्या मालूम, परमाणु के नाभिक में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से, परमाणु के नाभिक में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं जी, तो गलत ना हो गया? बस सही भाषा लिखना है कि परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, सब चलेगा बाबू। तो पहली बात, ये मेरी फिजिक्स की लिखवाने की पहली क्लास है बाबू, तो पहली बात पहले दिमाग निकाल दो कि जो किताब में लिखा है वही लिखेंगे, एक लाइन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो मैं तुमसे कहता तुम्हारा हर लाइन ऊपर नीचे होना चाहिए, और पैराग्राफ में वो सब चीज़ होना चाहिए जो परमाणु में है। जैसे परमाणु में क्या आएगा सर, नाभिक आएगा, लिख दिए, नाभिक में प्रोटॉन होता है, लिख दिए, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, लिख दिए, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, लिख दिए, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, हो गया परमाणु के बारे में, बहुत अच्छा लिखे तुम। ये नहीं कि सर लिखवाए हैं
परमा प्रतीक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेन्द्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में उदासीन प्रोटॉन नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिस पर ऋणावेश होता है। तो क्या मेरी भाषा लिखोगे? तोड़ तोड़ के लिखना। कैसे बाबू? तोड़ तोड़ के लिखना। क्या प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। लिखो लिखते चलो। नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पर परिक्रमण करता रहता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। क्या गलत हो गया क्या बाबू? आपका बिल्कुल भी गलत नहीं है, इस बात का ख्याल रखिए। एकदम बिल्कुल क्या है बाबू? सही है। हाँ, लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि मेरी परिभाषा मैं बताऊंगा कौन। तो अगर तुम्हें याद करना तो कौन याद करोगे? तो जो छोटा वाला याद कर लोगे, जैसे ये मैं जानबूझ के लिखवाया हूँ लास्ट में कि परमाणु में परमाणु के नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। मैं इसको बढ़ा दिया लाइन को, समझे? तो आप लोग, मुझे ये सिखाना है कि पहली बात, आप लोग सीधे परिभाषा के पीछे नहीं भागेंगे। हाँ, परिभाषा की मूल भावना को, फंडामेंटल सेंस को पहचानेंगे। अब पहचानने के बाद अपने शब्दों में लिखने का प्रयास। तो अपने शब्द का मतलब समझ लो, अपने शब्द का मतलब होता है फिजिक्स के शब्दों में लिखोगे। परिक्रमण करता रहता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। यही सब तो लिखना है आपको, क्लियर? तो इस बात का क्या रखेंगे ख्याल? अब बाबू मैं फिर से लिखवा दे रहा हूँ। मान लो कोई बच्चा यह लिख दिया, उसका गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, उसका भी क्या है? सही है। अब मान लो लिखो या परमाणु के बारे में लिखो, सर या करने से लिखो। अब परमाणु के बारे में कोई दूसरा बच्चा ऐसे लिख दिया, लिखो बाबू या करके नीचे, या करके पैराग्राफ छोड़ के नीचे लिखो इसमें। अब कोई दूसरे बच्चे की लिखने की शैली बदल गई, तो किसको नंबर अधिक मिलेगा, किसको नंबर कम मिलेगा, देखा जाए। मैं सिखा रहा हूँ बाबू, पहला चैप्टर में सिखाऊंगा। मेरे बच्चे 70 में 65 नंबर ऐसे ही नहीं पा जाते हैं, उन्हें पूरी चीज़ बाबू अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी सिखाई जाती है कि कैसे आपको फिजिक्स लिखना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है। यार लिखो बाबू या करके। तो पहली लाइन याद हो गई है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। धीरे-धीरे ये तो याद हो गया बाबा। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब बाबू कह लो सर परमाणु, अब तो तुम लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो तो याद भी हो गया। अब उसके बाद परमाणु का समस्त धनावेश, परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान तथा लगभग, मैं इसी को बाबू जो ऊपर लिखे हो इसी को थोड़ा सा छोटा करा दूंगा, 3-4 लाइन कम हो जाएगा इसमें। परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग, पूरा नहीं बाबू, लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है? एक ठोस गोलाकार केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है।